ये वीडियो 18 साल से बड़े अफराद के लिए बनाई गई है। वाजे रहे कि इस वीडियो का मकसद इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अवेयरनेस देना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो ये हमारी वीडियो है, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो है। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ। जी हाँ, इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स हम आपके सामने अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे और सवाले से बात वगैरह करेंगे। ये है नाइट राइडर क्रीम, तो हम आपके सामने इसको अनबॉक्स करेंगे और सवाले से रिव्यू वगैरह करेंगे और सवाले से डिटेल में बात करेंगे। हम आपसे इसके प्राइस बताएंगे और किस तरीके से इसको बाय कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और एंड में हम आपसे काफी इंपॉर्टेंट बात करेंगे इसी हवाले से, इसके साइड इफेक्ट्स के हवाले से। तो पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की है और ये बाकी की बात हम साथ साथ आपके साथ करते जाते हैं। तो ये बॉक्स से मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, इस पे लिखा है न्यू राइट नाइट राइडर, ठीक है। ये क्रीम की जो ट्यूब इसके अंदर से निकली है, ये हो गई ये अनबॉक्स, ठीक है। अब मैं आपको इसके प्राइस वगैरह बताता हूँ। इसके जो प्राइस हैं, 150 रुपये इसके प्राइस हैं, ठीक है। और ये आपको अगर आप ऑनलाइन बाय करेंगे या कहीं से भी आप मतलब ज़्यादातर ऑनलाइन जगह से ऑर्डर करेंगे तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगी, क्योंकि ये है तो 150 रुपये की, लेकिन लोग ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल जो है कुछ ज़्यादा ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इस तरह की जाती है कि लोग इसको महंगी से महंगी कीमत के अंदर भी ले लेते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि इसको आप 150 रुपये में केमिस्ट या मेडिकल स्टोर की शॉप से जाकर बोले नाइट राइडर क्रीम दे दें तो वो आपको दे देगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो मैंने आपको बताया कि काफ़ी महंगी मिलेगी, तकरीबन ये 150 रुपये की, लेकिन 250, 300, 1000, 1500, 2000, 2500 तक में लोग इसको बेच देते हैं और पब्लिक जो है आवाम इसको खरीद लेती है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी ओरिजिनल प्राइस वगैरह बता दी और बाय करने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आपको इसको बाय करना है। तरीकेकार मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और किन चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी ये क्रीम। बेसिकली ये यूज़ होती है जो आपकी सेक्स ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो है सेक्स ड्यूरेशन को ये बढ़ा देगी और लॉन्ग टाइम आपको सेक्स ड्यूरेशन आपकी हो जाएगी, यानी कि लॉन्ग टाइम सेक्स ड्राइव आपकी हो जाएगी और ये आपकी इरेक्शन को बरकरार रखेगी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। ये मेल हजरात के लिए है और तरीक़ेकार इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से किस तरीके की, ये वाइट रंग की है अंदर से, ठीक है। ये वाइट रंग की क्रीम है और आपको ये जो मेल ऑर्गन पे ये इस्तेमाल होगी, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपको लेनी है और उस पर आपको इसको लगाना है, ठीक है। सेक्स करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले तकरीबन जो आप 30 मिनट्स पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल से मुराद ये कि आप इसको लगा लें अच्छी तरीके से, आपको रगड़ना नहीं है, मसलना नहीं है, इसका मसाज नहीं करना, स्मॉल क्वांटिटी में भी नहीं लेनी, हद से ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में नहीं लेनी, नॉर्मल क्वांटिटी में लेके आप इसको लगाकर छोड़ देंगे और उसके बाद जो है मतलब आप फैला लें अच्छी तरीके से अपने ऑर्गन पर, और जो है फिर उसके बाद जो है आप इसको छोड़ दें 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो है आप इंटरकोर्स वगैरह कर सकते हैं, आपकी जो सेक्स ड्यूरेशन है और जो आपकी टाइमिंग वगैरह है वो इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। और जो है इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करने, बेनिफिट्स जो है साथ साथ बात हो गई है बेनिफिट्स वगैरह के हवाले से भी। और जो है अब हम बात करें इसके आपसे साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से, तो इसके जो इस पर जैसे साइड इफेक्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं तो उस पर ऐसा कुछ इसके साइड इफेक्ट नहीं लिखे हुए, इसके ऐसे कोई इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं भी नहीं। बेसिकली जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप जब इस्तेमाल कर लेंगे यानी कि आप इंटरकोर्स से फारिग हो जाएंगे, तो आपको करना ही है कि आप अच्छी तरीके से अपने मेल ऑर्गन को वॉश कर लेंगे, यानी कि आप लगा छोड़ दें क्रीम या फिर कुछ भी इस तरीके से, ज़रा सा भी जिनकी बहुत ज़्यादा हसास सेंसिटिव किस्म की स्किन होती है तो वो स्किन थोड़ी सी आप कह लें डैमेज टाइप हो जाएगी, खाल उसकी हटने लगेगी या फिर कह लें खाल उसकी उधड़ सी जाएगी, कुछ फटी फटी सी हो जाएगी कुछ लोगों की जिनकी हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके इतने ज़्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस तरीके से हो सकता है, बस आप इसको बाद में एंड में अच्छी तरीके से वॉश कर लें। और जो मेन आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि आप कह लें कि बहुत ही कम लोग शायद आपको इसका बताएं, वो ये कि जैसे कि दो किस्म की डिजीजेस होती हैं मेल के अंदर, जो अगर किसी को बहुत ज़्यादा हाई किस्म की हो जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और जो है प्री मैच्योर
प्रीमैच्योर इजेक्शन, तो उसके अंदर जो है ये शायद आपको काम ना करे, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का इरेक्टाइल डिफ्यूजन है और प्रीमैच्योर इजेक्शुलेशन है, तो शायद उस पर ही इतना ज़्यादा कारामद साबित ना हुए। अगर उसमें इतना ज़्यादा कारामद ये साबित हो जाती 150 रुपये की क्रीम, तो जितनी भी हकीमों की दुकान पूरे पाकिस्तान में या इंडिया में सब जगह खुली हुई हैं, तो वो कब की बदल जाती हैं, फिर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर है फिर हकीमों की दुकानें बंद हो जाती और जो कि आप कह लें कि हर कोई यही इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो मैंने आपको दो डिजीज बताई हैं, शायद उसमें इतना ज़्यादा जो है ये जो है क्या कहते हैं कि कारामत ना हो, लेकिन ये बाकी जो है आपको अगर नॉर्मल थोड़ा सा भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो ये काम कर जाएगी, क्योंकि इस पर लिखा हुआ भी है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ही आपकी जो इरेक्शन को बरकरार रखेगी, लॉन्ग टर्म सेक्स ड्राइव और लॉन्ग टर्म आपका सेक्स ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इंटरकोर्स जो है आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो है और आप काफ़ी सेटिस्फाई होंगे इससे, ठीक है। और जो कि बाकी मैंने आपको सारी डिटेल इसकी बता दी है कि इसके प्राइस बता दिए, बाय करने का तरीका और बाय किस तरह से होगी, यूज़ इस्तेमाल किस तरह से होगा, बेनिफिट्स वगैरह भी बता दिए, साइड इफ़ेक्ट्स भी बता दिए। और अब आप जो है मैंने डिटेल में एक चीज़ को वाजह की है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपके सामने जो है नाइट राइडर क्रीम को अनबॉक्स किया, रिव्यू किया, इस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। हमारी बाप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।